निकाह से राजी हो बहन। वाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। वाह वाह माशाल्लाह। बाला खातून, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने नेक मौके पर आपने मुझे दावत दी है, शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया बेटी आपका, मैं बहुत खुश हुई। इत्तेहाद से कुव्वत बढ़ती है गजल खातून, शुक्रिया। लेकिन सिर्फ तावन ही काफी नहीं होगा, और इसके लिए आपको फाल किरदार अदा करना है। बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी, बस आप हुक्म कीजिए। चलो सिपाहियों, सामान उतारो। चलो भाई जल्दी से जरा सामान अंदर पहुंचाओ। आओ आ जाओ, मेरी मदद करो, जरा हाथ बटाओ तुम भी। लो ये पकड़ो। अरे भाई जल्दी करें आप लोग। शुक्रिया तुम्हारा। बाला खातून, कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? बिल्कुल इजाजत है खातून। मैंने ये सुना है कि आप यहाँ कुछ गुरबा की मदद कर रही हैं बाला खातून, इसीलिए मैं भी अपने घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ, और चाहती हूँ कि आप ये सामान तकसीम कर दें। आपने बहुत अच्छा किया कि ये ले आई। आइए ये सामान अंदर रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। बहुत मुबारक हो बाला, आज पहला दिन है और लोग हमारी इस कार्य खैर में मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह भला करे। माशाल्लाह। खुदा उस्मान साहब को खुश रखे। आमीन। इस कार्य खैर में जो वो कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से शामिल कर लीजिए। शुक्रिया आपका। ये मेरी जानिब से गरीबों को दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह मुस्तहक अफराद की मदद करते रहें। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बाला, आप लोग हम गरीबों का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या हुआ है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपके कामों में बरकत अता फरमाए। उस्मान के लिए मुझे एक खातून तलाश करनी है हुंचा। तो ये बात है। अब ये मेरा या उस्मान का मसला नहीं है, अर्तुरुल हाजी की वसीयत है ये। ये क्या कह रही हो बाला तुम? एक सरदार की औलाद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे खातून की तलाश है। बाला खातून, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तुर्क वो हैं जो मंगोलों और मैसूल से भागते हैं, इसलिए वो अपना सामान आपको फरोख्त कर रहे हैं। यानी वो आपकी वजह से उठ खड़े हो सकते हैं। आप नए आने वाले कबाइल की उनके जानवरों और लाव लश्कर के साथ मदद कर रहे हैं। तुर्क लोग तीन मकामात पर अपना सामान बेचते हैं, बोरसा, इनागोल और कुस्तुंतनिया। इन तीन मकामात को बंद कर दिया जाएगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ ना सिर्फ उनके ताजरों का शिकार करोगे, बल्कि उनके जानवरों का भी शिकार करोगे। तुर्कों का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए जो एक एक करके आपके बाजारों में आते हैं। और अगर आप भूल गए कि उनको तुर्क होने की वजह से मौत की खाट उतारना चाहिए, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप सब कलाकार हैं। हमें इल्म है कि इसका नतीजा क्या होगा। एक जंग होगी, और सिर्फ जंग ही नहीं, खून, आंसू और मालो असबाब। हजरात, जो माल आपको इस जंग के नतीजे में हासिल होगा, वो सब का सब आपका होगा, और उस पर कोई महसूल लागू नहीं होगा। आप तीन अतराफ से उन पर हमलावर होंगे कि उन्हें सांस लेने का भी मौका ना मिले। लेकिन अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या? बस आप सब अपने कलों के दरवाजे बंद कर देना, और बाकी सब मेरा काम है। मैं आप सबके साथ इतना बड़ा लश्कर खड़ा करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ना सिर्फ सल्तनत का लश्कर होगा, बल्कि इस लश्कर में
रोमियों के साथ साथ मंगोल भी हमारा साथ देंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं? बहुत खूब। तो फिर मौत तक जंग, मौत तक जंग, मौत तक जंग। बहुत खूब, हम आखिर एक नुक्ते पर पहुंच गए। मुझे आखिरी सांस तक जंग पसंद है। हजरत, आज रात आप सब मेरे मेहमान हैं। और याद रखें, जब तक तुर्कों के सरों से पुरोया हार नहीं ला देते मुझे, तब तक आप मेरे लिए कलेदार नहीं। रोम के नाम। कौन हो तुम? तुम्हारा ही इंतजार था। नीचे उतरो। खुदारा हमें कत्ल मत करना। हमारी मदद करो। क्या कोई है? हमारी मदद करो, मदद करो। उतारा हमारी मदद करो। हमें बचाओ, बचाओ हमें। या, या। बुरहान, जरा कोई गाना तो गुनगुना के सुनाओ। तुम जो हो ना वो ज्यादा बातें मत करो, समझे? क्या यहाँ कोई है? हमारी मदद करो। खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया। कौन हो तुम लोग? हम तो बस मामूली से मौसीकार हैं जनाब। हम तैकफूर निकोला की महफिल में जा रहे थे कि अचानक तीन तुर्कों ने हमें रोक लिया और हमारे कपड़े और सामान लूट लिए उन्होंने। खुदारा हमारी मदद करें। आपकी मेहरबानी होगी।
सुनो, वो वहां शीरा डाल रही है और तुम यहां से अपने साथ कुछ तेल और रुई ले जाओ। चलो। क्या नाम है खातून? मेरा नाम अक्सू है, मैं यही रहती हूँ। वालिद क्या करते हैं? मेरे बाबा ताजिर थे, हमने उन्हें खो दिया। बाबा जो छोड़कर गए हैं बस उसी से हमारा गुजारा होता है, और मैं यहाँ बस अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। माशाल्लाह। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, काफी देर हो गई है, घर पहुंचना है, अभी पानी भी लेना है, जल्दी चलो भाई, देर ना हो जाए। तुम्हारा यहाँ और रिश्तेदार नहीं है? कोई कोई नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी? कुछ लोग आए थे मुझे देखने, लेकिन रिश्ता तय नहीं पाया जो अल्लाह को मंजूर। हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है। तुम्हें अपना होने वाला शौहर किसी भी वक्त मिल सकता है। मुझे मालूम था कि तुम आओ क्या अक्सू, आ जाओ, आओ। क्या तुमने जरूरत की सारी चीजें ले ली हैं? जी हाँ, ले ली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ सोना है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। लेकिन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अक्सू, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इस बात की किसी को खबर ना हो कि तुम मेरी बेटी बन गई हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हम सफर तलाश करूंगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर तुम वही करो जो मैं कहूं। आप मुझे बस एक बार हुक्म तो कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बीवी बना दूंगी, उस्मान की बीवी, हमारे सरदार उस्मान की। लेकिन ये एक पुल सरात है जिसे तुम्हें पार करना होगा, करोगी ना?
बाला खातून, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम खत्म कर लिया। बहुत शुक्रिया गजल खातून, मुझे खुशी है कि मेरे कामों में आप मेरी मदद कर रही हैं। आपकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गम होता है। आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस उदासी को दिल में नहीं रखेंगी। गजल खातून हमेशा आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जय कुताए, तुम परेशान क्यों हो? हुजूर, क्या मैं जंगजू नहीं हूँ? तुम हो जय कुताए। तो फिर उस्मान साहब मुझे कोई फ्राइज क्यों नहीं सौंपते हैं? वो इस इंतजार में है कि मैं उन्हें बताऊं कि तुम तैयार हो। जनाब, तो फिर आप उनको बताएं ना। जय कुताए, क्या तुम्हें मेरे वो अल्फाज याद है जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? वो यहाँ है, वो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में है तो उन्हें दोहराओ। मैं अपने हाथ, अपने जबान और अपने पेट पर काबू पाऊंगा। मैं रहम की अपील करने वाले को नहीं मारूंगा। मैं औरतों को, बच्चों को और कमजोरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब, मुझे बाकी सब याद है कि मैं जंग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या हुआ इदरीस साहब, आप इतना हैरान क्यों हैं? आपके बाजू को क्या हुआ? क्या ये काम नहीं कर रहा? इदरीस साहब, इदरीस साहब, आ जाओ सिपाहियों इस तरफ, जल्दी आओ सब यहाँ सिपाहियों। ओए, 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 ओए। ये झंडे करोजा हसार और सोत में लहराए जाएंगे। हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, न जाने इसका कौन जिम्मेदार है, उससे हिसाब लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? ये क्या है? चाचा जान रुक जाइए, हम मालूम कर लेंगे कि ये सब क्या है। दाऊ साहब, दाऊ साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हमारे मुकद्दस परचम को क्यों उतारा गया है? बमसी साहब, ये हमारा परचम है। क्या उस्मान साहब ने इसका हुक्म दिया है? उस्मान साहब ने हुक्म दिया है। तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो तुम? ये उनका खैमा है, जाकर खुद पूछ लें। चलिए।
दरवाजा खोलो उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया? आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की है। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि यह हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश हैं। ये भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है। हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे और यही सच है। दुदुर का कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालूर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। औस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए औस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम हम बताएंगे उन्हें। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलमे इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने और ना इंसाफी ने। इसलिए ये ख्वाहिश है मेरी कि सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी।
हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे, और वो रियासत सिर्फ कायों की रियासत नहीं होगी, सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आजम और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको। अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे, ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे। दुनिया व आखरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सब का भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अकल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए। हमसे साहब,